परेशान होना. गिव ईयर टू व्हाट आई से, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूं. गिव ईयर टू योर पेरेंट्स एडवाइस, जो पेरेंट्स बोल रहे हैं उसको कान से सुनो तो सही ढंग से. टू गिव ईयर, आप कहोगे मैम ईयर है, आपने खुद कहा सिंगुलर नाउन के साथ तो आर्टिकल आता है, बेटा नहीं आता इनके साथ, तभी तो मैंने लिखा है ऊपर. ठीक है, गिव ईयर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, यानी एटलीस्ट कान लेंड करना. ठीक है, मैं कहीं रुकी हूँ कोई होटल में, आप कहोगे मैम कंफर्टेबल हो ना आप, मैं कहूंगी यस आई एम परफेक्टली एट होम हियर. आई एम एट होम हियर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ. आई एम एट होम का मतलब दो मीनिंग है. अगर आप मुझे पूछोगे मैम कहाँ हूँ, मैं कहूंगी आई एम एट होम, मतलब मैं घर पर हूँ. लेकिन अगर कहीं बाहर हुआ मैं कह रही हूँ आई एम एट होम हियर, इसका मतलब है बिल्कुल घर के जैसा आराम है मुझे यहाँ पे. ठीक है, आराम. नेक्स्ट आप उत्तम नगर, बेटा 15 तारीख को पहला बैच है वहां पर उत्तम नगर का, और मुखर्जी नगर में 9th को है. नहीं सुप्रिया, कान लगा के बात सुनना नहीं है, इसका मतलब है ध्यान से सुनना. ठीक है, ईव्स ड्रॉपिंग नहीं है ये. हाँ बहुत सही कहा, इसका एक और है लेंड ईयर. ठीक है, एट सी, देखो वहां जो लिखवाया था मैंने एट सी, वो यहां पर भी आ गया कंफ्यूज. देखो एट अ लॉस के साथ मैंने एट सी लिखवा दिया था. बेटा हमने आपको जो एडजेक्टिव पढ़ाया है उसमें पढ़ाया है कि सुपरलेटिव, जिसको नहीं पढ़ाया वो टेंशन मत लो, सब पढ़ाएंगे. सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है. क्या बताया, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है. लेकिन अगर मैं कहूं लास्ट बट नॉट लीस्ट, कहोगे मैम द लास्ट बट नॉट द लीस्ट होगा ना, क्योंकि दोनों तो सुपरलेटिव डिग्री है. बेटा जब आप idioms and phrases की बात करते हो, है तो है नहीं है आप उसका कुछ नहीं कर सकते, है ना. इसीलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट का मतलब क्या हुआ, मान लो देखो हम लोग यहाँ 5 लोग बैठे हैं और आप सबको एक एक करके बुलाओगे तो कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा जो लास्ट में आएगा. वो जरूरी थोड़ी कि सबसे कम इंपॉर्टेंट व्यक्ति उसको लास्ट में बुलाओगे, तो फिर क्या कहोगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट मैम विल कम एंड स्पीक समथिंग टू यू. इसका मतलब क्या है कि सबसे लास्ट में आ रही है लेकिन किसी से कम नहीं है, ना. इसीलिए लास्ट बट इक्वली इंपॉर्टेंट. द हाउस कॉट फायर, द फायर अ फायर कुछ नहीं, द हाउस कॉट फायर. कई लोग पूछते मैम ये टू क्यों लगता है, बेटा टू बताता है कि इसके बाद वर्ब है, और ये भी बताता है कि ये टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म है. अब इसको आप अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज कर लो अपने आप, आपकी मर्जी, है ना. जैसे आप कहोगे घर में आग लग गई तो कैसे बोलोगे, द हाउस कॉट फायर, कैच का सेकंड फॉर्म कॉट लगाया, है ना. आई हैव 10 लाख रुपीज इन हैंड, तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, आई हैव जस्ट 50,000 इन हैंड, मतलब हाथ में, यानी इन वन्स फिजिकल पोजेशन. अब बैंक में कितना मुझे नहीं पता, आई हैव जस्ट 50,000 इन हैंड, इसका मतलब हाथ में तो सिर्फ 50,000 रुपए. सेट ऑन फायर, द हाउस वॉज सेट ऑन फायर, घर में आग लगा दिया गया. एंड इट कॉट फायर वेरी सून, द ओनर हैड नो मनी इन हैंड एंड ही वॉज टोटली एट सी वॉट टू डू नाउ. देख रहे हो, इवन द लाइफ ऑफ हिज फैमिली वॉज इन डेंजर. देखो इन डेंजर, खतरे में. अब उसके बाद तो बहुत आसान है, उसको कुछ समझाने की चीज ही नहीं है. भवानी क्या प्रॉब्लम है यार, कितनी बार बोलू, लाइव क्लास है. आई वेंट देयर एट सनराइज, आई रिटर्न्ड होम एट सनसेट, आई Committed this crime by mistake. कई बार ऐसा होता है गाड़ी ठोक के किसी को मार दिया और उसके बाद क्या कहता है वो ड्राइवर, कहता है it was by mistake, है ना. Clear? I committed this crime by mistake. देखो next. अगर आप कहोगे set foot, इसका मतलब होता है कि पैर रखना. Neil Armstrong set foot on the moon, है ना. The moon क्यों, क्योंकि हर heavenly object के साथ article डाल लगता है. Neil Armstrong set foot on the moon and he was the first man to set foot on the moon, है ना. Neil Armstrong was the first man to set foot on the moon, है ना. Turn turtle, turtle क्या होता है जानते हो ना, कछुआ जो होते हैं turtle, अगर वो पलट गया ना बेटा तो उसका पीठ में ऐसा टोकरी जैसा रहता है ना कि वो फिर अपने आप तो सीधा हो ही नहीं सकता, है ना. इसका मतलब होता है पलट जाना. The car turned turtle on the steep turn, you can say, जो एकदम steep turn आया वहां पे the car turned turtle, यानी कि पलट गया. Clear? Soldiers, the police are on duty at all the time. He is in doubt what to do and what not to do. The people there, you can say like all the railway officers are on strike today. देखो, अब इसका हिंदी क्या लिखूँ मैं? English क्या लिखती? इनो का देखो, मैं खाली आपको preposition भी दिखाना चाह रही हूँ और इसके साथ साथ आपको article नहीं है वो भी दिखाना चाह रही हूँ. We have no such thing in our stock. We don't have any flower pot in our stock, but we can deliver that on demand. On demand मतलब मांग आने पर, लेकिन in demand का मतलब मांग होना. Ma'am, this type of flower pots are not in demand. Ma'am, this type of flower pots are not in demand. These types of, you can say this type bhi keh sakte ho, this type of flower pots is not, kya bol rahe beta? So no, ma'am, this type of flower pots is not in demand. But we can deliver such pots
ऑन डिमांड, मतलब अभी इनकी मांगे नहीं है लेकिन आपकी मांग होने पर हम उनको डिलीवर कर सकते हैं। ऑन डिमांड का मतलब है व्हेन नीडेड और डिजायर्ड, मांग पर, और इन डिमांड का मतलब ग्रेटली डिजायर्ड, मांग में, है ना, यानी कि लोग क्योंकि बीच में फेमस है। बेटा व्हील, व्हील का मतलब ही जॉय होता है और वो का सिनोनिम आ चुका है, कई बार आ चुका है, इसका मतलब सोरो होता है। व्हील एंड वो, जॉय एंड सोरो, आई विल स्टैंड बाई यू इन व्हील एंड वो, सुख और दुख में मैं तुम्हारे साथ हूं। स्टैंड बाई का मतलब होता है सपोर्ट करना। आई एम ऑलवेज विथ यू, आई एम ऑलवेज विथ यू, आई विल स्टैंड बाई यू इन एवरी व्हील एंड वो, इन ऑल द अप्स एंड डाउन्स ऑफ योर लाइफ, उतार चढ़ाव, यानी कि अच्छे बुरे दिन, व्हील एंड वो, जिंदगी में कभी आप उतार में रहोगे, कभी चढ़ाव आएगा, लाइफ बिल्कुल स्टेबल नहीं रहता हमेशा। सक्सेस एंड फेलियर, देखो जब भी कुछ करो ऑलवेज ट्राई टू वे द पॉस एंड कॉन्स ऑफ योर एक्शन। वे का मतलब होता है तोलना, पॉस एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ट्राई टू वे द पॉस एंड कॉन्स ऑफ योर एक्शन, यानी कि क्या क्या है जो पक्ष में जाएगा लेकिन क्या क्या है जो घाटा भी तो होगा, है ना। सो द सम एंड सब्सटेंस ऑफ टुडेस क्लास इज दैट यू मस्ट लर्न ऑल द वोकैब अलोंग विद आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन। सम एंड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, निचोड़। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस चैप्टर इज, क्लास में क्या बताते हैं कि भाई इस कहानी का ये निचोड़ है। देखो स्टैंड बाई यू करो बेटा, स्टैंड बाई का मतलब होता है सपोर्ट, स्टैंड विद का मतलब होता है के साथ होना। नहीं सुप्रिया कहां है, साइलेंट, एक सेकंड देख के बताती हूं। नहीं बिल्कुल नहीं, चलो यस दीपक बैकअप मिलेगा। सम एंड सब्सटेंस हो गया, देखो निचोड़, मीनिंग, जिस्ट और समरी, सारांश, निचोड़ जिसको कहते हो, है ना। नेक्स्ट आओ फ्लैश एंड ब्लड, नो वन इन फ्लैश एंड ब्लड कैन डू दिस एक्ट। जो भी हार्ड मांस का बना हुआ है भाई, ऐसा काम तो उसके बस की बात नहीं। नो बडी इन फ्लैश एंड ब्लड कैन सर्वाइव सच अ डिजास्टर। लोग क्या कर रहे हैं अभी चंबोली में, लोगों को ढूंढा जा रहा है, लेकिन हम यहाँ बैठ के टीवी में देख चुके हैं क्या कि बापरे इस तरह का बहुत गंदे तरीके से पहाड़ जो वहां पे है वो टूटा है और सब कुछ मतलब पूरा पूरा गांव बह गया है। तो मैं क्या कहूंगी, नो बडी इन फ्लैश एंड ब्लड कैन सर्वाइव सच अ डिजास्टर। ऐसी आपदा को कोई भी व्यक्ति जो हार्ड मांस का बना हुआ है, हड्डी और मांस को कहते हैं, हार्ड मांस का बना हुआ है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना। अ ह्यूमन बीइंग विद हिज नेचुरल लिमिटेशंस, हमारा शरीर कितना झेलेगा यार। फिशेस एंड लोव्स, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड वर्क्स फॉर फिशेस एंड लोव्स। सीधा बात करते हैं, सर सी, यू ऑल्सो आई नो यू हैव टू फीड योर फैमिली, यू ऑल्सो वर्क फॉर फिशेस एंड लोव्स, मतलब आपको भी तो घर पालना है, आपको भी तो पैसे ही लेके जाओगे ना घर में। फिशेस एंड लोव्स आया उस समय से, जब बाइबल के जमाने से, जिस समय आपके जीसस क्राइस्ट थे, तो था कि उस समय लोगों को एक खाने में कुछ दे दिया जाता था, जैसे एक फिश दे दिया गया, एक उनको लोफ दे दिया गया ब्रेड का, तो लोग खुश खुश काम करते थे कि अच्छा चलो कम से कुछ मिल तो रहा है ना खाने को। तो इसीलिए वहीं से बना है कि जब तक आपको मेटलिस्टिक गेन नहीं मिलेगा तब तक थोड़ी मन लगेगा काम करने में। अगर कोई बोलेगा कि मैम आपके यहाँ ज्वाइन करना है तो क्या क्या नियम है, कैसे कैसे होगा, मैं क्या कहूंगी, देयर इज नो सच हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई ऐसा सख्त नियम नहीं है, है ना। मैंने क्या कहा, देयर इज नो सच हार्ड एंड फास्ट रूल। नाउ हाउ डू यू गो टू कॉलेज, मैम आई टू एंड फ्रो, आई टेक बस टू एंड फ्रो टू कॉलेज, टू एंड फ्रो कॉलेज, आई टेक बस टू एंड फ्रो कॉलेज। टू का मतलब जाना, फ्रो मतलब फ्रॉम, टू एंड फ्रो का मतलब होता है जाना, बैकवर्ड एंड टू एंड फ्रो। एक मिनट रुकना, यहां पर इंग्लिश का मीनिंग में बहुत, हाँ, टैंजिबल बेनिफिट्स लिखा होगा बेटा, मेटलिस्टिक गेन एंड टैंजिबल बेनिफिट्स ये कह सकते हो। यस कल्याणी बिल्कुल सही है, सब कुछ शीट में मैं बेटा अभी सेव करते जा रही हूँ, मैं अभी फिलहाल इसी को लोड कर दूंगी और आपको फिर इंप्रूव करके बाद में प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट आप कट एंड ड्राइड, बेटा जैसे मछली से बनाई, जनरली मछली से और कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट से क्या किया जाता है, मछलियों को देखोगे आप ना, अगर आप मुंबई जाओगे और मालवा की तरफ, उधर एक जगह है मालेगांव,
अगर उधर चले जाओगे ना, मेरी तो मुझे तो घबराहट हो गई थी, मुझे उल्टी सा फील होता था पूरा दिन दिन भर। और एकदम 7-स्टार होटल में ठहरी थी मैं, लेकिन वहां पर अंदर जाने से पहले पहले मुझे दम घुट गया बिल्कुल। और उसके बाद मैं जब अंदर गई हूँ तो भी स्मेल, फिर मैं सीधा रिसेप्शन पे रुक नहीं पाई। मैंने कहा मुझे रूम में पहुंचा वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। रूम में गई हूँ तो उन्होंने एयर टाइट रूम बनाए हुए हैं वहां पे, जहां पे अंदर बिल्कुल परफ्यूम्ड रहता है, सिर्फ इसीलिए कि बाहर दम घुट जाएगा। द रीजन इज वहां पे आसपास जो समुंदर है वहां पे वो क्या करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं, उसको कट करके ड्राई करने के लिए लगा देते हैं। और ऐसा हजारों लाखों मछलियां वहां पे आसपास टापू में क्या है, ऐसे टंगी रहती है ड्राई होने के लिए, जिसके कारण पूरा एयर में इतना भयानक स्मेल होता है कि आप पागल हो जाओगे वहां के स्मेल में, ठीक है। और कट एंड ड्राइड, क्योंकि वो उसको फिर हम लोग बेचते हैं, तो ड्राई जो फिश होता है ना, खराब होने का डर रहता है, ना ही कीड़े लगने का डर होता है, दैट इज कट एंड ड्राइड, यानी रेडीमेड, समझे। तो रेडीमेड क्या है, कट एंड ड्राइड, देखो क्लियर। तो टुडे वी डोंट वॉन्ट टू, यू नो, वी डोंट वॉन्ट टू डू थिंग्स एट होम, वी जस्ट वॉन्ट टू बाई कट एंड ड्राइड थिंग्स, वेदर दे आर फॉर फूड और फॉर क्लोथ्स, राइट। नेक्स्ट देखो, अल्फा एंड ओमेगा, ग्रीक में होता है, शायद ए को अल्फा कहते हैं और जेड को ओमेगा कहते हैं, यानी शुरू से लेकर अंत तक, ए टू जेड, देखो क्लियर। अगर मैं ये कहूं कि आई डू नॉट नो द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस सब्जेक्ट, आई कैन नॉट टीच दिस, इसका मतलब यार और छोड़ का मुझे पता ही नहीं है, तू मुझे पढ़ाने दे रहे हो ये सब्जेक्ट, ठीक है। देखो, ऑल एंड सन्ड्री, नाउ द गवर्नमेंट हैज मेड रूल्स फॉर फार्मर्स, ऑल एंड सन्ड्री, whether he is a small farmer or a big farmer, landlords like, है ना, like farmers like landlords. So this law is applicable to all and sundry, मतलब सब पर लागू होगा बिना किसी भेदभाव के। इसका मतलब छोटे किसान तो और मर जाएंगे, देखो क्लियर। इन सनाउस ने बेटा, आप जो बता रहे हो ना ओमेगा, वो फिजिक्स का बता रहे हो दीपक, ठीक है ना, फिजिक्स में अल्फा ओमेगा बीटा गामा ये सब है लेटर्स। इफ आई टीच इंग्लिश आई एम सपोज टू नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ ग्रामर, हर छोर अंदर बाहर पूरी तरह से मुझे नॉलेज होना चाहिए। आई मस्ट नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ ग्रामर, मतलब फुल डिटेल, क्लियर। देखो बोलो कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आओ, फायर एंड सॉर्ड, इसका मतलब बेटा फायर समझते हो, आग, सॉर्ड मतलब समझते हो, यस, पेंडुलम मूव्स टू एंड फ्रो, है ना। देखो फायर एंड सॉर्ड का मतलब क्या हुआ, एंगर, रेज एंड ड्राइव, है ना, लाइक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यू कैन से औरंगजेब, और यू कैन से देयर वर मेनी रूलर्स हु वर वेरी क्रूएल, and during the reign there was fire and rage in many of the kingdoms, theek hai, in many of the kingdoms, yani ki kya tha us samay beta, us samay ekdam achanak wo log hamla kar dete the, charo taraf aag jani, loot paat, pura loot khasot, so there was fire and rage everywhere, fire and sword, dekho anger, rage and life rampage, theek hai, isi se pata chal ja raha hai aapko, chalo next up, inside out, ha wo bhi chalega, inside out and upside down ye bhi hota hai beta, ins and outs bataya na devinder, आपको अपने सब्जेक्ट का इन्स एंड आउट्स पता होना चाहिए। ठीक है, कल तैयार है ना, फायर एंड ब्रिमस्टोन, सुनो ध्यान से, जानते हो ना, बदमाशी करोगे, पाप करोगे तो क्या होगा, ऊपर जाओगे तो बढ़िया सा बड़े कढ़ाई में आपके तेल उबल रहा होगा और उसमें आपको फ्राई किया जाएगा, नहीं, भाई फायर एंड ब्रिमस्टोन क्या है, जो नरक में पापियों के लिए तेल उबाला जा रहा है ना, उसी को फायर एंड ब्रिमस्टोन कहते हैं, देख लो, ठीक है, नरक में पापियों द्वारा सामना की जाने वाली पीड़ाएं, ठीक है। सो इफ यू डू नॉट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स यू विल फेस फायर एंड ब्रिमस्टोन, बस बेटा खत्म कर रही हूं, यहीं पर खत्म कर दूंगी, रुक जाओ, एक सेकंड बेटा, हाँ बेटा, आज पेपर डिस्कशन है, हिज नेम स्प्रेड फार एंड वाइड, दूर दूर तक उसका नाम फैल गया, व्हाट इज फार एंड वाइड, बहुत दूर है ना, इन ऑल डायरेक्शन, पीपल कम टू मुखर्जी नगर फ्रॉम फार एंड नियर प्लेसेस, नियर प्लेस से भी फार प्लेस से भी लोग मुखर्जी नगर पढ़ने आते हैं, है ना, एंड यू शुड कीप योर हाउस पिक एंड स्पैन, एकदम चकाचक रखिए अपने घर को, है ना, चकाचक मतलब एकदम नीट एंड क्लीन, एंड समटाइम्स सम ऑफ यू कमेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन, गो ऑन कमेंटिंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मतलब यार कमेंट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, ही स्पीक्स ऑन एंड ऑन, मेरा सन जब कुछ होता है ना वो बोलना शुरू होता है, मुझे पता चलता है वो भी खत्म नहीं करेगा, बिकॉज ही विल स्पीक ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ही नेवर स्टडीज, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन यू मस्ट वर्क हार्ड, मतलब मैंने तुम्हें बार बार कहा है
यू मस्ट वर्क हार्ड नाउ एंड देन यू कैन पार्टी नाउ एंड देन मतलब ऑफन यू कैन पार्टी बट यू मस्ट वर्क हार्ड एंड यू मस्ट नॉट गो पार्टिंग ऑन एंड ऑन मतलब कंटिन्यूसली नहीं करना चाहिए नाउ एंड देन का मतलब है जब तब नाउ एंड देन ही कम्स टू मीट मी इमैक्यूलेट यस वेरी गुड बेटा कहां स्पीक इन स्पैनिश एंड क्लीन चलो मैं लिख दूं इमैक्यूलेट इमैक्यूलेट ठीक है ही कम्स हियर नाउ एंड देन जब तब वो मुझसे मिलने आता है ऑफ एंड ऑन इसका मतलब इररेगुलरली अगर आप कहोगे कि मैम आप संडे को ऐसा क्लास कब कब लेते हो मैं कहूंगी आई गिव सर्टेन सच लेक्चर्स ऑफ एंड ऑन आई गिव सच लेक्चर्स ऑफ एंड ऑन एंड नॉट एवरी वीक नॉट एवरी संडे बाय फिट्स एंड स्टार्स प्लीज डू नॉट स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्स यू मस्ट स्टडी रेगुलरली रेगुलरली का उल्टा ही तो हुआ था फिट्स एंड स्टार्स मतलब क्या फिट्स एंड स्टार्स का मतलब हो गया इररेगुलरली ठीक है अच्छा टॉर्मेंट्स है यानी कि जो पीड़ा होता है टॉर्मेंट्स हेल मतलब नर्क नर्क में जो पापी होते हैं ना उनके द्वारा सही गई पीड़ाएं अच्छा एक बात मुझे बताओ मैं यहाँ क्लास खत्म कर रही हूँ आज का नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे कुछ और नया लेके आऊंगी मैं और लेकिन मुझे एक चीज बताओ मैं इसको ऐसे ही लोड कर दूं क्या कि मैं कल इसको पूरा अच्छे से सबको टाइप करा के लोड करूं अब आप जो बोलोगे कर दूंगी बता दो जल्दी बताओ क्या करूं आपको यही लोडेड चाहिए कि मैं कल टाइप करा के लोड करूं बोलो यही लोड कर दूं कि कल टाइप करा के लोड करूं अच्छे से बताओ यस लिख रहा है टाइप करके ठीक है टाइप करके लोड कर दूंगी चलो ठीक है तो नेक्स्ट क्लास आपका संडे को देखते हैं फिर कुछ बढ़िया से रखते हैं ठीक है और कल लोड कर देते हैं बेटा अच्छे से करके इसको यही कर दे चलो आज यही करवा देती हूँ कल मैं टाइप करा के लोड कर दूंगी एक काम करो अभी इसी को निकालो जितना करेक्शन किया है ना उसको तुम लोड कर दो और कल इसको टाइप करा के जब लोड करोगे तो उसको हटा देना ठीक है चलो ओके तो 7 बजे नाश्ता पानी करके आ जाओ 7 बजे जितने भी 3 स्टेप टाइम वाले